अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपल प्रूफ करना है आपके पास सेकेंड ऑर्डर। यहाँ वाई टू और वाई टू का मतलब क्या हुआ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब कि इसे दो बार डिफ्रेंशिएट तो करना है एटलीस्ट, तो दैट इज इक्वेशन नंबर वन। एंड नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू थ्री टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स, और प्लस फोर टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है चेन रूल लगेगा, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू प्लेस करते हो तो लॉग एक्स ऑपरेट होगा, तो एक्स वैल्यू प्लेस करेंगे तो लॉग एक्स ऑपरेट होगा, और लॉग ऑपरेट होने के बाद फिर कॉस ऑपरेट होगा। तो सबसे आउटर फंक्शन कॉस है, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट होगा, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ जो भी कॉस के अंदर है वो लिख देंगे, क्या है आपके पास, लॉग एक्स, ठीक। अब दूसरे नंबर पे कौन डिफ्रेंशिएट होगा, लॉग, लॉग का डिफ्रेंशिएशन वन बाई होता है, तो दैट इज़ वन बाई एक्स, ठीक है। प्लस डिफ्रेंशिएट हो गया, ये चेन का आखिरी कड़ी था, है ना, तो चेन रूल लगा दिया हमने और ये आखिरी फंक्शन डिफ्रेंशिएट होने वाला था। खैर तो फोर, यहाँ पे फिर वही सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे एक्स है, फिर लॉग ऑपरेट हो रहा है, फिर साइन ऑपरेट हो रहा है, तो सबसे पहले साइन डिफ्रेंशिएट होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और जो भी साइन के अंदर है वो लिख दीजिए, लॉग ऑफ एक्स, फिर दूसरे नंबर पर लॉग एक्स डिफ्रेंशिएट होगा वन बाई एक्स, ठीक है। अब थोड़ा स्मार्टली हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक। एक तो तरीका है कि dy वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, फिर थोड़ा d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर LHS उठा के उसमें वैल्यू प्लेस कर दीजिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इस x से जब भी डिनोमिनेटर कुछ आ जाए तो फ्री करने की कोशिश, पॉलिनोमियल तो फ्री करने की कोशिश किया करिए। खैर x इस साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। ये इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं, और डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ क्यों कर रहे हैं दोबारा डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एटलीस्ट तो चाहिए। अच्छा कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स है, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दो फंक्शन है, एक एक्स फंक्शन है, एक डिवाइड बाई डी एक्स फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड मतलब डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लगा दिया है, प्रोडक्ट रूल। फिर इधर क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, प्लस फोर टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स, फिर जैसे आपने डिफ्रेंशिएट किया था चेन रूल लगा के वैसे ही डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इधर तो आपका आ गया x, आपका d2y टू वाई एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका वन बाई एक्स, प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स हो गया। फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स था, एक और एक्स आ गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा आपका थ्री कॉस ऑफ लॉग एक्स और प्लस
4 sin of log x. ठीक है, अब देखिए ये चीज़ है क्या, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए तो ये y है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख दें, माइनस y, और इसको इधर ले आइए फिर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इस माइनस वाई को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो, दैट इज रिक्वायर्ड प्रूफ, तो ये हो गया प्रूफ।